वेलकम गाइस टू द मास्टर क्लास ऑफ क्रिप्टो फंडामेंटल एंड ऑन चेन तो इस कोर्स की शुरुआत करते हैं और जो पहला सेक्शन है उस पर हम बात करते हैं पहला सेक्शन जो है वो क्रिप्टो इन्वेस्टिंग बेसिक्स है और उसका जो पहला चैप्टर है वो है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी सो क्रिप्टो करेंसी की काफ़ी बेसिक डेफिनेशन होती है वैसे काफ़ी आपने सुना होगा पढ़ा भी होगा उसके बारे में समझा भी होगा पर क्रिप्टो करेंसी को अगर सिंपल भाषा में आपको मैं समझाना चाहूँ तो क्रिप्टो करेंसी को आप ब्रेक डाउन करोगे तो क्रिप्टो प्लस करेंसी होता है बट क्रिप्टो का जो असली मतलब होता है वो होता है क्रिप्टोग्राफी और करेंसी का जो असली मतलब होता है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीडियम ऑफ एक्सचेंज पहले एक टाइम पे बाटर सिस्टम होता था फिर गोल्ड हुआ और अभी जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो फीएट करेंसी है पेपर नोट से पेपर करेंसी है जिस करेंसी को क्रिप्टोग्राफी का जो नेटवर्क होते हैं वो उसको चलाते हैं उसको मैनेज करते हैं वो क्रिप्टो करेंसी आप उनको कह सकते हो अभी क्रिप्टोग्राफी की जब बात करते हैं तो क्रिप्टोग्राफी क्या होता है सो क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिस जिसपे किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर आपको एक पार्टी से दूसरी पार्टी पे शेयर करना है और आप चाहते हो कि बीच में कोई उसको इंटरसेप्ट नहीं करे बीच में उस इंफॉर्मेशन को पढ़ डाले राइट क्योंकि इंटरनेट पे जब आप इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो तो कई सारे हैकरस वगैरह भी होते हैं वो अटैक करते हैं अगर आपने प्लेन टेक्स्ट में जैसे आप मुझे वे मुझे आपको कोई एक पासवर्ड भेजना है और पासवर्ड मैंने आपको प्लेन टेक्स्ट मतलब जैसे हितेश पासवर्ड हितेश से मैंने वो पासवर्ड भेज दिया इंटरनेट की कम्युनिकेशन ले रहे उसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया सो so, बीच में हैकर क्या करेगा उस पासपोर्ट को पढ़ लेगा सो so, यहाँ पे अटैक करना काफ़ी इजी हो जाता है तो इसके लिए एक सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए इंटरनेट पे जो भी आप काम करते हो कम्युनिकेशन करते हो ट्रांजेक्शन करते हो उसकी सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए क्रिप्टोग्राफी के कॉन्सेप्ट यूज़ हुए तो क्रिप्टोग्राफी एक कॉन्सेप्ट में क्या होता है जब भी आप इफॉर्मेशन भेजते हो उस इफॉर्मेशन को आप इंक्रिप्ट करते हो इन्फॉर्मेशन को आप एक कोड लैंग्वेज में शेयर करते हो और जिस बंदे को इंफॉर्मेशन वो जाती है वो बंदे के पास एक की होती है उस की से वो खोल के देखता है क्या इंफॉमेशन है उसको बोलते हैं डिक्रिप्ट करना तो यहाँ पे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का फंडा होता है किसी भी इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट तरीके से प्रेजेंट करना या सीक्रेट तरीके से उसको लॉक करने को बोलते हैं इंक्रिप्शन और उसको अनलॉक करने को बोलते हैं डिक्रिप्शन ये सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ सो ये क्रिप्टोग्राफी का जो फंडा है वो जनरली ई मेल कम्युनिकेशन में काफ़ी यूज़ हुआ है और सबसे पहले ये क्रिप्टोग्राफी है एटीज़ के टाइम पर नाइनटीन एटीज़ के टाइम पर यू में डिफ़ेंस वाले यूज़ करते थे जो भी सीक्रेट सिग्नल्स होते थे सीक्रेट मैसेज होते थे तो वो क्रिप्टोग्राफी के थ्रू भेजते ताकि कोई भी बंदा या कोई भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी वगैरह उसको ट्रैक न कर पाए और नाइन्टीज़ के टाइम पर यू पे कुछ आंदोलन हुए यू से कुछ क्रिप्टोग्राफर ने एक मूवमेंट चलाया उसके बाद ये क्रिप्टोग्राफी जो है पब्लिक हो गई पब्लिक यूज़ के लिए अवेलेबल हो गई क्रिप्टोग्राफी के यूज़ कई सारे एरियाज़ में होना स्टार्ट हुआ सबसे पहले ईमेल में से काफ़ी यूज़ हुए कम्युनिकेशन में इससे यूज़ हुआ ट्रांजेक्शन वगैरह में यूज होना स्टार्ट हुआ बट पेमेंट की जब बात करते थे क्रिप्टोग्राफी को पेमेंट में कैसे यूज करें क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करके कैसे एक डिजिटल करेंसी बनाया जाए या डिजिटल पेमेंट प्रोटोकॉल बनाया जाए उस पर कई सारे अटैम्प हुए हैं लाइक नाइन्टीज से लेके बिटकॉइन के आने से पहले पहले तक दस बारह अटैम्प हो गए थे और तो सारे अटैम्प फेल हो गए सब में एक ही प्रॉब्लम आती थी, थी कि डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम उसको बोलते थे उस पर यह होता था कि कोई बंदा क्रिप्टो करेंसी जो बनाते थे जिन लोगों ने पहले क्रिप्टो करेंसी बनाई थी तो वो क्रिप्टो करेंसी जब बंदा अपने अकाउंट से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजता था तो उसकी जो कॉपी थी वो वहाँ से जाती नहीं थी वो बंदा उस क्रिप्टो करेंसी को दस लोगों को भी भेज सकता था तो जनरली अकाउंटिंग में क्या होता है कि आपके पास अगर दस रुपये आपने भेज दिए तो आपके दस रुपये आपके अकाउंट से जाने चाहिए बट ऐसा होता नहीं था क्रिप्टो करेंसी so, के केस में सो बिटकॉइन के केस में जब बिटकॉइन के ऊपर रिसर्च स्टार्ट हुआ सतोशी ने बिटकॉइन का वाइट पेपर लिखा तो उसने डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क जो माइनिंग वाल वाला जो फंडा है वो इंट्रोड्यूस किया और माइनिंग की वजह से ये माइनर जो होते हैं वो वेरीफाई करते हैं कि दे मेक श्योर कि जब भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो अगर आपने एक बी से सेंड किया है आपके अकाउंट से किसी और के अकाउंट पे तो वो सेंड करने के बाद एक बी से आपके वॉलेट से जाना चाहिए और उसको एक बी से मिलना चाहिए सो so, इस टाइप से क्रिप्टो करेंसी का सीन स्टार्ट हुआ बिटकॉइन वॉज द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी उसके बाद इथेरियम आया सो so, बिटकॉइन और इथेरियम में काफ़ी फ़र्क है जो बिटकॉइन का जो uh, क्रिप्टो करेंसी जो था उसका मेन पर्पज़ था पेमेंट के लिए राइट right? बिटकॉइन बना था पेमेंट के लिए कि अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट भेजना है एक जगह से दूसरी जगह से जगह पे और विदाउट एनी थर्ड पार्टी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल करेंसी का ये भी है जैसे अगर बिटकॉइन की ओरिजिन की बात करते हैं तो बिटकॉइन का जो ओरिजिन हुआ था 2008 में हुआ था और उसके ओरिजिन से पहले काफ़ी बड़ा इवेंट हुआ था वहाँ पर लेमन ब्रदर्स करके यू का काफ़ी बड़ा बैंक था वो डूब गया था बैंक इसलिए डूबा था क्योंकि उस टाइम पर यू में हाउसिंग क्राइसिस हुआ था और हाउसिंग क्राइसिस होने का रीज़न ये था कि यूएस में रियल स्टेट मार्केट काफ़ी हॉट था लाइक 2000 से लेके 2007 हज़ार तक उस टाइम पे कई लोगों ने रियल इस्टेट पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया कई सारे लोगों ने होम बाई किया हाउस का काफ़ी अच्छा मार्केट वहाँ पे चला और बैंक वाले भी काफ़ी अच्छे फ्लेक्सीबिलिटी वाले नो लोन वगैरह प्रोवाइड करते थे काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट थी तो लोग बॉरो कर रहे थे और लाइक घर वगैरह बाई कर रहे थे बट ये बबल बन गया राइट सो ऐसा बबल बन गया कि वो बेस्ट हो गया और लेमन ब्रदर्स ने काफ़ी ज़्यादा लोन दिए हुए थे और लोगों ने काफी डिफॉल्ट कर दिया जब आप लोन काफ़ी इशू कर लेते हो और डिफ़ॉल्ट ज़्यादा हो जाते हैं उस केस में बबल बन जाता है उस केस में कहीं ना कहीं एक बड़ा क्राइसिस आ जाता है तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस वहाँ पर आया उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में एक रिसेशन आ गया था दो के आसपास तब ये जो बिटकॉइन का वाइट पेपर आया था उस पर यही प्रपोज किया था कि जब तक हम इनके ऊपर भरोसा करेंगे जो भी बैंकिंग सिस्टम है उसके ऊपर भरोसा करेंगे तब तक इस टाइप के आगे जाकर और भी इवेंट हो सकते हैं आगे जाके और भी क्राइसिस आ सकती है रिसेशन आ सकता है और बीच पे भी हमने लिखा कि एक और बैंक था सिलिकन वैली बैंक वो इसी टाइप की क्राइसिस से गुजरा वो भी डूब गया और भी दो तीन बैंक वो डूब गए और यूएस पर रजिटेशन की हालत भी चल रहे हैं सो so, ये मेन उन्होंने ये प्रपोज किया संतोषी सतो सका कि आपको अगर प्रॉपर तरीके से इस सिस्टम को चलाना है तो जनता के हाथ में कंट्रोल देना पड़ेगा जब आपको जनता के हाथ में कंट्रोल देना है पेमेंट का तो उस केस पर पे पेमेंट को किसी न किसी को तो वेरीफाई करना पड़ेगा कि मैं आपको पैसा भेज रहा हूँ तो कौन मेक श्योर करेगा कि मैंने आपको पैसा भेजा है वो मेरे पास उतना अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं है राइट सो so, ये सब चीज़ें क्यों अल्टीमेटली आप डेटा ट्रांसफर हो रहा है जब भी आप इंटरनेट पर इवन जो भी क्रिप्टो करेंसी वो पीस ऑफ कोड है पीस ऑफ डेटा है समझ गए क्रिप्टो करेंसी जो है वो कोडिंग करके बनाई जाती है और जो क्रिप्टो करेंसी का आपका आप भेज रहे हो एक डेटा है डेटा आप सेंड कर रहे हो तो so, कौन मेक मेकश्योर sure करेगा कि जो भी आप डेटा सेंड कर रहे हो वो सही में आप होल्ड कर रहे हो नहीं कर रहे हो ट्रांजेक्शन लेजर कौन हैंडल करेगा सो so, बैंक के केस पर तो आप बैंक जो स्टाफ हायर करते हैं वो उनका काम होता है बट अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं इंटरनेट करेंसी की बात करते हैं उस केस में कौन करेगा तो उस केस में ये माइनिंग वाला फंडा आ जाता है उस केस पर पब्लिक को इन्वॉल्व कर दिया जाता है सो यहाँ पर माइनिंग वाला फंडा है स्टेकिंग वाला फंडा है दो फंड है दो कंसेंसेज एलगोथे है दो तरीके हैं जहाँ से ये सिस्टम बनाया जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाया जाता है जहाँ जा पे लोग मिलके उस क्रिप्टो करेंसी को चलाते हैं मेक श्योर करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजेक्शन सही टाइम पे हो डेटा सही टाइम पे अपडेट हो अबाउट सही टाइम पे अपडेट हो बैलेंस सही टाइम पर अपडेट हो लेजर एंट्री सही टाइम पर हो और जो लेजर एंट्री होती है वो ब्लॉक पे होती है पब्लिक ब्लॉक चेन होती है तो क्रिप्टो करेंसी का जो पहला यूज़ था वो पेमेंट का यूज़ था इथेरियम जब आया तो so, इथेरियम ने सोचा कि यार ये जो पेमेंट का यूज़ केस वो तो काफ़ी सही बना दिया बिटकॉइन ने बट ये जो नेटवर्क है ब्लॉकचेन का जो काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया गया है इसको हम और भी यूज़ केस पे एक्सप्लोर कर सकते हैं और भी अलग अलग टाइप की क्रिप्टो करेंसी बन सकती है जहाँ जहाँ पे जिस इस इंडस्ट्री में प्लॉक्सन के यूज हो सकते हैं वहाँ पे कहीं कहीं करेंसी बन सकती है और क्रिप्टो करेंसी का मेन पर्पज जो डिजाइन किया गया था इनिशली वो ये कि अगर आपको इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बनाना है जहाँ पे लोग मिलकर उस सिस्टम को चला रहे हैं उसके लिए आपको क्रिप्टो करेंसी ऑफर करनी पड़ेगी और एक और सेकंड पर्पज़ यहाँ पे करेंसी जब इनिशियली आई थी जब सतोसी ने भी क्रिप्टो करेंसी डिजाइन की थी बिटकॉइन एक बिटकॉइन का पेमेंट नेटवर्क है बट उसके अंदर बी जो है क्रिप्टो करेंसी है तो so, उसका मेन पर्पज ये भी था कि जो लोग उस सिस्टम को चला रहे हैं वो क्यों चलाएंगे राइट right? उनको कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए अब कोई तो ऐसा जैसे माइनिंग में आपको कंप्यूटिंग रिसोर्स देना होता है कंप्यूटिंग पावर लगती है आज के टाइम में आई माइनर अगर लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट भी आती है बिटकॉइन माइनिंग वाले प्रोसेस पर अभी मैं ऐसी बिटकॉइन माइनिंग कर रहा हूँ मुझे कुछ मिल नहीं रहा खाली मैं महीने का सपोज दस डॉलर लगा लगा के बिटकॉइन माइनिंग कर रहा हूँ मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था मैं क्यों करूँगा राइट सो so, उस टाइम पे उसने अच्छे से सोचा था सब तो कि ऐसा आगे जाके होगा इसलिए मैं इस सिस्टम को पहले ही प्लेस कर लेता हूँ कि जो लोग माइन कर रहे हैं जो लोग अपने रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे बैंक सैलरी देता है जो भी बैंक के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं जो भी उनके स्टाफ होते हैं सिमिलरली मैं इनको सैलरी दूंगा सैलरी वाला इंसेंटिव दूंगा सो so, यहाँ पे इंसेंटिव का मॉडल जो है वो डिज़ाइन किया गया सो so, क्रिप्टो करेंसी जो होता है एक एजेंट इंसेंटिव भी काम करता है जो भी ब्लॉकचेन वाले पब्लिक ब्लॉकचेन वाले सिस्टम्स होते हैं सो इंसेंटिव जब आपको देना होता है जब आपको लोगों को इस सिस्टम के अंदर लेके आना है सिस्टम को रन करना है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाना है ब्लॉकचेन का एक नेटवर्क बनाना है तो उस पर क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च करनी होती है क्रिप्टो करेंसी एक इंसेंटिव होता है जो लोग उस नेटवर्क को सिक्योर करते हैं जो लोग उस नेटवर्क में अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं उनको वो इंसेंटिव मिलता है सो so, माइनिंग करते हैं उनको बिटकॉइन माइनिंग में रिवॉर्ड मिलते हैं स्टेकिंग करते हैं उनको इथेरियम स्टेकिंग में रिवॉर्ड मिलते हैं क्रिप्टो करेंसी की जब बात करते हैं तो यूज केस वाइज काफी डिफरेंट यूज केस के आवेदा एक्सप्लोर किए गए इथेरियम ने कई सारे यूज केस एक्सप्लोर किए सोलाना आया सोलान ने और, और भी नए यूज केस एक्सप्लोर किए तो जैसे जैसे ब्लॉक से डिस्केलेबल होता गया जैसे अभी एल्टूज तो आ रहे हैं तो एल्टू में और भी नए नए यूज केस आ रहे हैं तो जितने ज़्यादा यूज केस आएंगे उसके हिसाब से अलग अलग टाइप की क्रिप्टो करेंसी अलग अलग टाइप के टोकन्स आएंगे